हेलो एवरीवन, दिस इज पल्लवी, यू आर वाचिंग मी ऑन बीइंग पल्लवी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इससे बात क्यों कर रही हूँ, रुको एक सेकंड बताती हूँ। तो आज अभी मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया है कि क्यों ना आज मम्मी को प्रैंक किया जाए, क्योंकि मैंने ऐसा कभी किया नहीं है। एंड क्योंकि वीडियो बनाना था, कंटेंट चाहिए, एंड दिमाग में ऐसा खुराफाती आइडिया आया है, तो मैंने सोचा एग्जीक्यूट क्यों ना किया जाए मम्मी के ऊपर। वैसे तो मेरी मम्मी मुझ पर, मतलब मेरे जितने भी कुकर्म है, सबसे वाकिफ है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ। तो ये बात पे तो वो बिलीव करेगी नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं। मतलब ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैंने सोचा कि आई एम गोइंग टू प्रैंक माई स्वीट मॉम कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये चीज़ मम्मी कभी बिलीव कर ही नहीं सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं अगर भी कर भी लिया तो क्या रिएक्शन होगा वो, मतलब एपिक होगा वो, तो मुझे पता है। तो क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है अभी, एंड घर अभी आएगी शायद, क्योंकि टाइम हो भी गया, 1 बज गया है दोपहर का। ऐसे टाइम में मम्मी आ जाती है काम वगैरह पूरा करके। तो मैंने सोचा कि एक सेकंड मोबाइल को रख लेती हूँ, हाथ दर्द हो गया है, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया तो हाथ से दर्द करता है यार। मैं सोच रही हूँ करूँ कि ना करूँ, क्योंकि अगर मम्मी को बिलीव हो गया तो वो क्योंकि और ये बिलीव किससे करेगी मालूम नहीं, क्योंकि आज 5 to 6 months हो गया है मैं घर से निकली नहीं हूँ, तो प्रेग्नेंट कैसे। फिर भी आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रैंक टू माई मॉम, देखते हैं रिएक्शन कैसा होता है, क्या सोचती है मेरी मम्मी मेरे बारे में, क्योंकि वो तो मेरे रग रग से वाकिफ़ है कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। ये चीज़ वो कभी बिलीव करेगी ही नहीं। तो फिर भी रिएक्शन के लिए, मतलब देखते हैं क्या करती है मम्मी। तो अभी तो मम्मी घर पे नहीं है फ़िलहाल, मम्मी सुबह गई है, हमेशा सुबह ही निकलती है, दोपहर को आती है जितना भी काम है पूरा करके। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कहाँ पे कैसे बताओ ताकि मम्मी को ना लगे कि मैं वीडियो कर रही हूँ और मेरा वीडियो भी हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ कहाँ मैं मोबाइल को छुपाऊँ एंड कैसे रिकॉर्ड करूँ, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी हम लोग ढूंढते हैं कि मैं कहाँ कैमरा सेट कर सकती हूँ। तो चलो आज हो सकता है मुझे मेरा हो जाए, तो लाइक कर देना अगर वीडियो आया तो, क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ। तो मम्मी इधर से आएंगी, ओके। तो आने के बाद अभी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इस रूम पे अगर मैं वीडियो करूँ तो यहाँ पे छुपाने से ठीक होगा क्या, क्योंकि इस रूम पे करने से ही मैं छुपा सकूँगी, क्योंकि हमारे घर पे आप देख ही सकते हो इतना सामान है कि कहीं भी छुपा दो तो मम्मी को नज़र नहीं आएगा मोबाइल कैमरा। तो देखते हैं कहाँ छुपाती हूँ, मम्मी को आने दो। अभी बज रहा है 2:30 होने वाला है दोपहर के, तो देखते हैं मम्मी कब आती है एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैंक। एक बात ये है कि मम्मी जब आती है सबसे पहले हाथ पैर धोने जाती है, तो हाथ पैर धोने टाइम में मुझे फटाफट मोबाइल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी से मैं सेट करके रख दूँगी तो क्या ही होगा। तो जब मम्मी आएंगी और जब हम लोग का गेट खुलता है ना, तो मुझे पता चल जाता है क्योंकि साउंड होता है गेट का। तो जब मम्मी आएगी तब तो साउंड होगा ही, तब मैं देख लूँगी मम्मी आ गई है। तो तब मम्मी फिर बाहर ही पैर हाथ धो के फिर घुसती है घर के अंदर, तो तभी मैं मुझे मोबाइल सेट करना पड़ेगा। तो स्टे ट्यून गाइस। अभी बज रहे हैं 2 बजने ही वाले हैं, ठीक है। तो मैंने फ़ोन किया था अभी मम्मी को, मम्मी का यही होता है जब भी फ़ोन करते हो यही बोलती है कि आ रही हूँ, मतलब आ रही है। तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं इसको ये प्रैंक तो अभी कर रही हूँ, अगर मैं हिंदी में बात करूँगी तो मम्मी को पता चल जाएगा, क्योंकि मम्मी और मैं बंगाली में ही बात करते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे बंगाली में बोलना पड़ेगा। और मैं नीचे स्क्रीन में दे दूँगी सबटाइटल लिख के कि हम लोग क्या बोल रहे, ट्रांसलेट कर दूँगी हिंदी में। तो वही बोलना था अभी मम्मी को, आने दो, उसके बाद शुरू करते हैं धमाका प्रैंक। मम्मी आ गई है, अभी हाथ पे धो रही है, तब तक मैं सेट कर देती हूँ मोबाइल। की करता है, हैं?
क्यों नाश्ता से क्यों नाश्ता से की क्यों नाश्ता क्यों नाश्ता से बुआ से तो कौन देखी दब पैसा तो सुन क्या नहीं खासन ऐ কি দেখে টুর নি কি আমি মাংস খারাপ হয়ে যাবে এক নম্বর কিছু একটা কম ক জানো তুমি যদি জানো আমি প্রেগনেন্ট খতম কি করব কি করব সত্যি সত্যি ভাবছ তুই তো ওরকমই করতেস কি তোর মুখ দেখে তো অন্য লাগতেছিল তুই আমার খেদাই দিবা তুমি বিশ্বাস করছ সত্যি তুমি বিশ্বাস করছ তুমি ভাবছ আমি এরকম করুম তুমি ভাবছ আমি এরকম করতে পারুম কি হ্যাঁ
তুমি ভাবছো আমি এরকম করতে পারো? হ্যাঁ তোমার বিশ্বাস নাই? বিশ্বাস কেন কেন ভাবছি? তো তো হয় নাই যে এখন হয় নাই কি হয় না কি হয় না গিলে গিলে দেখাবি আর নাই বস্তু তুমি বিশ্বাস করছো? কি সত্যি না মিশা কি প্রেম করতেছি? তো কেন হতেছে না? मेरे मम्मी को मुझ पे भरोसा ही नहीं है। घर के बाहर ही नहीं जाऊ मु कुत्ती घर घर बाहर को मोए तो सुना क्या की करे तो होए ना हमार कुन दिन हमार टाइम होए। मम्मी बोल रही है मेरा पीरियड नहीं हो रहा है इसलिए बिलीव कर लिया। मेरे ऊपर भरोसा करो ना। तो गाइस मम्मी को मेरे ऊपर पूरा भरोसा है क्योंकि पीरियड मिस हो गए हैं मेरे, इसलिए मम्मी ने भरोसा कर लिया। मैंने भी सोचा था इसलिए भरोसा कर लेगी। मेरा खून नहीं है इसलिए पीरियड ऐसे होते रहता है मेरा। कोई बात नहीं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड क्या करना है सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। और भी प्रैंक करना है मम्मी के ऊपर अगर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।